गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास फिफ्थ यूनिट फिफ्थ का रिप वैन विंकल, एक इंसान की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आलसी है, और अपने आलसपन की वजह से वो एक ऐसी घटना से मिलता है जहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। 20 साल तक वो एक ऐसी नींद में चला जाता है और जब वापस लौटता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। यहाँ तक कि जब वो सोने के बाद अपने डॉगी वुल्फ को फाइंड आउट करता है तो उसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ डॉर्फ पर्सन थे, जो बौने लोग थे, उन्होंने उसको एक ऐसी दवा पिला दी, इन बौने लोगों ने, जिससे वो लगातार 20 सालों तक एक अज्ञात जगह पर, एक अननोन प्लेस पर सोता रहता है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना हैंडसम पर्सन है ये वाला, ओके। और फिर वो जब जागता है नींद से तो वो बुज़ुर्ग इंसान बन चुका होता है। देखिए बहुत ही बुढ़ा इंसान हो चुका होता है 20 साल बाद। 20 साल तक ये बौने लोग उसको कहीं एक जगह पर छिपा देते हैं, वो बहुत ही बुढ़ा हो जाता है। जब वो उठता है, वो एक गाँव में रहता था और उस गांव से वो पहाड़ों की तरफ गया था, और जब वो वापस अपने गांव में आया तो उसे अपने गांव का कोई भी नहीं मिला, और एक बुज़ुर्ग मिला भी, उसने उसको पहचाना, एक बहुत ही बूढ़ी औरत मिली, उसने उसे पहचाना। अरे बोले, ये तो रिप वैन विंकल है। पूछा, आप बताओ 20 सालों से आप थे कहाँ? इस वाली बूढ़ी औरत ने पहचाना, ओके। अभी बेचारा क्या बताता, उसे कुछ पता ही नहीं था कि 20 सालों से वो कहाँ था। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है ये, और सिर्फ हमको ये मैसेज देती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि गॉड भी उन लोगों के साथ रहता है जो लेजी नहीं होते हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। मेहनती लोगों के साथ भगवान हमेशा साथ रहता है, और जो लोग लेजी होते हैं तो लेजी इंसानों की कोई भी मदद नहीं करता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल, कात स्किल। अब कैटस्किल नाम का एक पहाड़ था, उसके नीचे एक विलेज था, एक छोटा सा विलेज था कैटस्किल नाम के पहाड़ के नीचे, जैसे ये ऐसे ऐसे पहाड़ होता है, तो यहाँ पर ये विलेज था, ऐसे यहाँ पर ये विलेज था, ऐसे ऐसे एक गांव था, ठीक है बच्चों। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। अब इस गांव में एक बहुत ही प्यारा बंदा रहता था, सिंपल सा था, बहुत अच्छी आदत थी इसकी, जिसका नाम रिप वैन विंकल था। इस इंसान का, ही वाज अ काइंड नेवर, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, दयालु पड़ोसी था, रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी की भी मदद कर देता था, किसी की भी मदद के लिए तैयार हो जाता था, इसलिए लोग उसको बहुत मोहब्बत करते थे। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गाँव का हर बंदा, हर इंसान उसको बड़ा प्यार करता था, पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, गाँव के बच्चे जब भी उसको, रिप को देखते थे तो उसको बुलाने लगते थे, बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि ये जो रिप था वो गाँव के बच्चों के साथ खूब खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, गाँव के बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, एंड शूट मार्बल्स, कंचे खेलना बताता था कि एक कंचे को दूसरे, वो कांच की गोली होती ना, उससे कैसे मारते हैं, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और ये जो रिप था गांव के बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाता था। अब देखो इतना अच्छा इंसान था, राइटर कहता है इतना अच्छा इंसान था, फिर भी उसके अंदर एक बहुत गंदी आदत थी, वो लेजी था। तो यहाँ पर राइटर आपसे ये कहना चाहता है कि आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप आलसी हैं तो आलस अपने आप में एक बहुत ही बड़ी
कमी है किसी भी इंसान के लिए। अब वो कहते हैं द ऑनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिप के साथ, वो बड़ा आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खेतों में काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, और अपना पूरा समय ऐसे ही बिताता रहता था, कभी किसी में कभी किसी में ऐसे बिताता रहता था। हिज फेंस वर फॉलिंग टू पीसेस, अब उसकी जो घर की दीवारें थीं वो धीरे धीरे गिर रही थी। हिज काओ वाज गोइंग एस्ट्रे, उसकी गैयाँ जो थीं वो गाय पालता था वो भूखी रहती थी। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म, अब खेत में फसल तो थी नहीं, घास फूस उगाया था। रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ, अब इस रिप के साथ एक बंदा हमेशा रहता था, एक उसका साथी था, वो था उसका डॉग ये वाला, और इसका नाम भैया क्या था बच्चों, वुल्फ, जिसको ये बहुत मोहब्बत करता था। और ये वुल्फ भी हमेशा रिप के साथ रहता था। अब क्या हुआ, टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, उसने कहा भैया हम पे काम वाम ना होगा, हम ना काम करेंगे, तो काम से बचने के लिए वो जंगल में घुस गया। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रेज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, एक दिन क्या हुआ कि ये जो रिप था हमारा, जो पहाड़ था ना कैटस्किल यहाँ पर, अब यहाँ पर चलता चला गया और वो सबसे ऊपर पहुँच गया, है ना, इस कैटस्किल नाम के पूर सबसे ऊंचे चोटी पर पहुंच गया। अब बहुत देर हो गई चढ़ते चढ़ते, इट वाज लेट इन द आफ्टरनून, ये काफ़ी देर था दोपहर में। व्हेन ही रीच देयर, और जब वो वहाँ पहुंचा, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लिम ही ले डाउन एंड बिगेन टू ड्रीम, अब वो इतना थक गया था वहीं लेट गया और सपने देखने लगा। अब फिर क्या हुआ, इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी रात हो गई, शाम हो गई। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम, और उसने सोचा कि मैं घर वापस जाऊँगा तब तक बहुत रात हो जाएगी। ही रीज हिज विलेज, कि मैं घर तक पहुँचूँगा, अपने गाँव पहुँचूँगा तब तक बहुत रात हो चुकी होगी। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो रिप को बुला रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, कोई उसे कह रहा था रिप वैन विंकल यहाँ आओ, रिप वैन विंकल यहाँ आओ। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने इधर उधर देखा और एक छोटा सा आदमी उसने देखा जो बौना था, डॉर्फ उसे बोलते हैं, विद थिक हेयर एंड ग्रीजल्ड बियर, अब बहुत घने बाल थे और सफ़ेद दाढ़ी थी, ग्रीजल्ड का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद दाढ़ी थी उसके। अब क्या हुआ, वॉकिंग टूवर्ड हिम, ये उसकी तरफ आ रहा था विद ए बैरल, ये बैरल मानी होता है पीपा, लकड़ी का बना हुआ जिसमें कुछ भरा होता है लिक्विड। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम, अब उसने कहा कि भैया रिप मेरी मदद करो, इस बैरल बहुत भारी है, मैं ले नहीं जा पा रहा हूँ। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, अब रिप ने इसकी मदद करी और जिसने रिप का हैंड जो था बहुत कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रेज अ प्लेस, दोनों लोग अब ये रिप ये वाला रिप है और ये जो बौना है, ये एक जगह पर पहुंचे, वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जहां पर कुछ और लोग थे जो बड़े अजीब थे, देखो बिल्कुल इस बौने की तरह थे, देखो दो लोग ये हैं। प्लेइंग नाइन पाइंस, एक तरीके का गेम होता है नाइन पाइंस, जिसमें बॉल होती है उसको नाइन पाइंस बोलते हैं, नाइन पाइंस। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ द वेरियस शेप एंड कलर्स, वो बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे, जैसे ये पहना था,
और सबकी दाढ़ियाँ अलग अलग थी, अलग अलग रंगी हुई दाढ़ियाँ थी। इवन यहाँ तक कि क्या हुआ, दो देवर प्लेइंग अ गेम और वो एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, उनके ये जो देखो गेम खेल रहे, ये 9 पॉइंट है, ऐसा वाला जो गेम होता है ये 9 पॉइंट होता है। अब इनके जो चेहरे थे देखो, दो ये हैं, ये देखो बड़े सीरियस थे। एंड देयर वाज साइलेंस, और वो चुप थे। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द वॉल्स, और उस पहाड़ी पर जो आवाज़ आ रही थी उस बाल की आ रही थी, जो गेंदें थीं वो टकरा रही थी उसकी। विच इकोड द माउंटेन लाइक थंडर, और इतनी तेज आवाज़ थी कि ये रिसाउंडिंग हो रही थी आवाज़, पहाड़ों से दौड़ पलट के वापस आती थी आवाज़ तो रिसाउंडिंग हो रही थी। अब क्या हुआ, एज रिप एंड हिज कंपेनियन रेज देम, जैसे ही रिप और उसका साथी वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड क्या हुआ, एंड स्टेयर्ड एट रिप विद फिक्स गेज, और रिप की तरफ घूरने लगे, गेज वाली घूरना। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप तो बड़ा डर गया। हिज कंपेनियन एम्पटाइट द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, और उसके कंपेनियन ने, उसका साथी ने जो कंटेंट्स था ऑफ द बैरल, जो उस पीपे में जो भरा था वो खाली करा इन टू ग्लासेस। अब जैसे ये गिलास थे ऐसे, अब इन गिलासों में उसने वो जो बैरल था पीपा, उसमें का जो ड्रिंक था वो डालना शुरू कर दिया। और फिर एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने कहा लो भैया रिप तुम भी इसको पियो, रिप की तरफ भी एक गिलास दे दिया। अब रिप ओवेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर, रिप ने वो पी लिया क्योंकि रिप बड़ा डरा हुआ था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, इसलिए भी पी लिया क्योंकि वो बड़ा प्यासा था। ही ड्रिंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, उसने कुछ गिलास और पिए उसमें से, भैया थोड़ा और दे दो और पी लूँ। एंड स्लोली फेल इन टू अ डीप स्लीप, यहीं से पूरी कहानी चेंज हो गई और वो गहरी नींद में सो गया बेचारा रिप। ऑन वेकिंग अप, जब वो जागा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जब वो जागा तो उसने देखा अरे मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ पर उस बुढ़े आदमी से मैं मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को रगड़ा। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा दिन निकल आया था, सनी मॉर्निंग थी, सूरज निकल आया था। Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो रिप ने सोचा कि शायद मैं पूरी रात यहाँ पर नहीं सोया हूँ। अब क्या हुआ, He looked around for wolf, उसने अपने कुत्ते को देखा। अब उसको पता ही नहीं है कि वो 20 साल तक ये जो बौने जो लोग थे उसको कहीं ले गए थे 20 साल तक, और कहीं पर छिपा के रख दिया था, वो वहाँ सोता रहा और फिर बाद में वहाँ डाल गए। और उसका कुत्ता तो भैया 20 साल में कहाँ जिंदा रहा होगा, मर गया होगा। बट ही वॉज नाउ हियर, उनका उसने अपने कुत्ते को बुलाया, भैया कहाँ हो, आओ डॉगी, वुल्फ वुल्फ कहाँ हो। रिप विसल्ड फॉर हिम वुल्फ, तो जो रिप था उसने अपने कुत्ते का नाम लेके के बुलाया, वुल्फ वुल्फ कहाँ हो, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं। नो डॉग वॉज टू बी सीन, उस बेचारे को कहीं कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। वेयर वॉज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड, वो अपने आप से बोला। देखो इतना बुढ़ा हो गया रिप, ये देखो ये कितना बूढ़ा हो गया 20 सालों में। उसने सोचा कि भैया ये मेरा कुत्ता चला कहाँ गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, अब वो अपने गाँव को जाना शुरू हो गया। पहाड़ जैसे ही पहाड़ पर ऊपर चढ़ते गया था, अब वो नीचे उतर रहा था। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल, उसे बहुत सारे लोग दिखाई दिए। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यार गांव तो मेरा ही है लेकिन मेरे गांव के लोग सारे चले कहाँ गए। The villagers also stared at him,
इक्वली सरप्राइज। गांव के लोग भी उस जैसे वो अचंभित था, वैसे वो भी बड़ा अचंभे में थे कि ये बुड्ढा कौन आ गया। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। हु इज दिस मैन, सेड वन। उनमें से एक ने कहा, ये कौन इंसान है, इतनी लंबी दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने तो उसको यहाँ पहले कभी देखा ही नहीं, सैड अनदर। दूसरे ने कहा, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। अब वो बुढ़ा हो गया था ना, तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। तो बोले, देखो इस आदमी को, इतनी लंबी दाढ़ी है और इसके चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ हैं। ऑन, अब देखो पहले तो ये बड़ा खूबसूरत था ना, देखो कितना खूबसूरत है ये, प्यारा सा है ना, ये देखो कितना खूबसूरत है ये। अब ये देखो बिल्कुल कैसे हो गया, देखो कितना बुढ़ा हो गया ये इस वाली पिक्चर में। देखो और नीचे देखो, है बुढ़ा ये। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रिप सॉग्ड हिज चिन। रिप स्ट्रॉग्ड हिज चिन। रिप ने अपनी ठुड्डी उठाई उस एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वो बड़े अचंभे में पड़ गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वाज ऑल वाइट। उसकी दाढ़ी जो थी वो 1 फुट लंबी थी और पूरी सफ़ेद थी। एन ओल्ड वूमैन वॉक्ड अप टू हिम, एक बुढ़ी औरत उसके पास आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके चेहरे को देखकर बोली, फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर देखा उसने चेहरे को और बोली, देन सी एक्सक्लेम्ड, तो बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल। अरे ये तो रिप है, रिप वैन विंकल है। अरे तुम इतने सालों से कहाँ थे, वेलकम होम अगेन, हम तुम्हारा फिर से वेलकम करते हैं घर पर। ओल्ड नेवर, मेरे पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम पिछली 20 सालों से थे कहाँ? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उन्होंने वो जो ड्रिंक पिलाया था ना, वो जो ड्वार्फ लोगों ने, इन्होंने इसको जो ड्रिंक पिलाया था ना, वो इतना नशीला था कि वो उसको 20 सालों तक सुलाए रखा, और उसको धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा जो वैन विंकल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक बुज़ुर्ग इंसान में कन्वर्ट हो गया। आखिर में मैं आप लोगों से यही बच्चों कहूँगा कि अपने काम को छोड़कर मत जाओ, आलसी बिल्कुल मत बनो, और अगर आप आलसी होंगे, अपने काम से, अपनी ड्यूटीज से दूर भागेंगे, अपनी पढ़ाई से दूर भागेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू। Thank you.